तो भाई लोग, ऐसे T20 का जो पहला क्वालिफायर है ना, आप सबको पता है इसमें डरबन सुपर जायंट के सामने सनराइजर ईस्टर्न केप है। और दोस्तों ये जो मैच है न्यूलैंड केप टाउन के मैदान पे खेला जाएगा। इस मैदान पे इससे पहले ऐसे T20 के 10 मैच खेले गए, जिसमें से 3 मैच में टारगेट डिफेंड हुआ, 7 मैच में टारगेट चेज। मतलब यहाँ पे चेज थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी पहली इनिंग के मुकाबले दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है, तभी तो चेज ज्यादा होता है। एवरेज स्कोर यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का 164 रन, मतलब मीडियम स्कोरिंग मैच होता है। जब मीडियम स्कोरिंग मैच होता ना भाई साहब, तो जो फैंटेसी क्रिकेट की टीम होती है ना, उससे बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। मुश्किल क्या होती है, काफ़ी बैलेंसिंग तरीके से अपनी टीम बनानी होती है बल्लेबाजों गेंदबाजों को लेकर। तो कौन से प्लेयर अपनी टीम के लिए बढ़िया रहेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि ग्रैंड लीग हम कैसे जीत जाते हैं। मेरा वादा है, अगर आपने पूरी वीडियो देखी, वीडियो के बीच में मैं आपको एक टिप्स बताऊंगा, अगर आपने उस टिप्स को फॉलो कर लिया तो हम में आप में से कोई ग्रैंड लीग जीतेगा, बाहर का बंदा ग्रैंड लीग नहीं जीतेगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो अगर आप ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो पूरी वीडियो जरूर देखें। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे न्यूलैंड केप टाउन मैदान। तो इस मैदान का जो फर्स्ट इनिंग का हाईएस्ट स्कोर है वो 202 रन, जो कि सनराइजर्स ईस्टर्न केप के नाम पर है। लोएस्ट स्कोर है यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का जोबर्ग सुपर किंग्स के नाम, 105 रन 9 विकेट। इस मैदान पर जो हाईएस्ट टोटल चेज हुआ 172 रन, जिसे एमआई केप टाउन ने पर्ल रॉयल के सामने 2024 में किया, यानी इसी सीजन। लोवेस्ट टोटल डिफेंड की बात करें तो 157 रन, जिसे डरबन सुपर जायंट्स ने एमआई केप टाउन के सामने इसी सीजन 2024 में किया था। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, 150 से 2 बार स्कोर बना, 150 से 169 के बीच में 3 बार स्कोर बना, 170 से 189 के बीच में 3 बार स्कोर बना, 190 या इससे ज़्यादा फर्स्ट इनिंग में बस 2 बार स्कोर बना। तो स्कोरिंग पैटर्न देखने के बाद आपको लग रहा है कि यहाँ पे लो स्कोरिंग भी मैच होते हैं, हाई स्कोरिंग भी होते हैं, मीडियम स्कोरिंग भी होते हैं। इसका चक्कर क्या है, इसका चक्कर ये है कि यहाँ का जो सरफेस है वो हार्ड है। शुरू में तेज गेंदबाजों को हेल्प करता है 2-4 ओवर, लेकिन उसके बाद जब बॉल की साइनिंग खत्म होती, बॉल बैट पे अच्छे से आता, क्योंकि यहाँ के जो कंडीशन है वो बैटिंग कंडीशन है। लेकिन बाउंड्री लेंथ की बात करें तो मीडियम है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी ना बहुत ज़्यादा छोटी। और जब बॉल पुराना हो जाता है तो स्पिनर्स गेंदबाजों को भी काफ़ी घुमाव मिलने लग जाता है, शुरू में तेज गेंदबाजों को, बाद में स्पिनर्स गेंदबाजों को। बीच में बैटिंग के लिए पिच ठीक होता है, तो मतलब बल्लेबाज गेंदबाज सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो T20 के हिसाब से काफ़ी परफेक्ट पिच है, और यहाँ पे अक्सर मैच जो होते हैं मीडियम स्कोरिंग होते हैं। तो इस हिसाब से कौन से प्लेयर बढ़िया रहेंगे, कौन से प्लेयर बढ़िया नहीं रहेंगे, चलो एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होगी। तो डरबन सुपर जायंट्स की बात करें तो मुझे लगता है आज के मैच में क्विंटन डिकॉक की वापसी होगी, जो पिछले मैच में रेस्ट दिया गया था, तो ये एक चेंज हो सकते हैं। सनराइजर्स ईस्टर्न केप की बात करें तो मुझे लगता है टेम्बा मोमोआ की जगह पे टॉम एबल आएंगे, उधर ओटेनियल ब्राडमैन ये खेलते नजर आ सकते हैं। तो मतलब उधर मार्को यानसन की भी वापसी होगी बायर्स की जगह पे, तो ये 2 चेंज हो सकते हैं किसके, सनराइजर्स ईस्टर्न केप के खेमे में हमारे पास प्लेइंग 11 से आगे। बाकी अगर कोई और चेंजेस होने होगा ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैच स्टार्ट होने के 2-3 घंटे पहले दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 मिल जाएगी। कहाँ पे, मेरे टेलीग्राम पे। आप बोलोगे बस प्लेइंग 11 ना जीना, आपको इस मैच की ड्रीम 11 की विनिंग टीम भी मिलेगी मैच स्टार्ट होने के 1 घंटे पहले। कहाँ पे, टेलीग्राम पे, वो भी एक नहीं दो नहीं तीन टीम। तो मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी। अब सब इन फैंटेसी के नाम से भाई का टेलीग्राम है, तो सभी मैचों की अगर एक नहीं दो नहीं तीन टीम ड्रीम 11 की विनिंग टीम चाहिए तो भाई का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। अब हम बात करते हैं कौन हमें अच्छा पॉइंट देगा, कौन अच्छा पॉइंट्स नहीं देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं मैथ्यू ब्रिज की। इन्होंने आखिरी के 10 मैच में 389 रन बनाए, लगभग सभी मैचों में बढ़िया बल्लेबाजी करी है। जो 3 मैच खेला सनराइजर्स के सामने 81 रन बना पाए, यहाँ पे आंकड़े थोड़ा हल्के हैं। एक मैच खेला था न्यूलैंड के मैदान पे 48 रन बनाए थे, मतलब इस मैदान पे जो खेला था एक मैच वहां पे बढ़िया पारी खेली थी इन्होंने। डेनियल वॉरेन और सीमन हार्मर एंड एडम मार्करम, इन तीनों के सामने थोड़ा फंसते जरूर है, लेकिन मुझे लगता है ये आज की भी मैच में ना फिर से 40-50-60 की पारी खेलेंगे, मतलब 40 से 60 के बीच में फिर रन बना सकते हैं। कौन, मैथ्यू ब्रिज, तो मुझे लगता है बढ़िया पॉइंट्स देंगे, तो मैथ्यू ब्रिज को अपनी टीम में जगह दें। टोनी डी जॉर्जी की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 171 रन बनाए, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। एक मैच खेला न्यूलैंड के मैदान पर 20 रन बना के निपट लिए, तो यहाँ पे भी शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, वैसे भी इनकी करंट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। मुझे लगता है टोनी डी जॉर्जी को आज टीम में जगह मत देना, 2-4-5 रन वाला प्लेयर है, तो अच्छा पॉइंट्स नहीं देगा, लोगे तो पछताओगे, इसलिए बाहर ही कर दो। बात करें क्विंटन डिकॉक की, तो आखिरी के 10 मैच में 193 रन, जिसमें से एक मैच में 70-80 की पारी आई थी, बाकी सभी मैचों में फ्लॉप। 3 मैच खेला सनराइजर्स के सामने, सिर्फ
30 रन बनाए, यानी सनराइजर्स के सामने आंकड़े बहुत खराब। 8 मैच खेले, 127 रन बनाए न्यूजीलैंड केप टाउन के मैदान पे, मतलब इस मैदान पे भी इनके आंकड़े खराब ही हैं। मार्को यांसन और डेनियल वॉरल के सामने क्विंटन डिकॉक फंसते भी हैं, लेकिन आपको पता भी है डिकॉक हैं, कभी भी चल सकते हैं। मुझे लगता है बड़े मैचों में बड़ा प्लेयर ही हीरो बनता है, तो क्विंटन डिकॉक आज के मैच में हीरो बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? मुझे लगता है आज खेलेंगे 70-80-90 की पारी और साथ में विकेट कीपिंग करेंगे, वहां से पहुंचेंगे। इसलिए क्विंटन डिकॉक को चुपचाप टीम में रख लो, रखने के साथ साथ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन कर डालो। किसको? क्विंटन डिकॉक को। बाकी अगर हम यहाँ पर जे जे स्मर्ट्स की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 316 रन बनाए, 3 हाफ सेंचुरी लगाकर और 5 विकेट भी निकाले थे, मतलब बढ़िया ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करें। कौन? जे जे स्मर्ट्स। 2 मैच खेला सनराइजर्स के सामने, 84-84 रन बनाए, 2 विकेट निकाला, 1 हाफ सेंचुरी भी लगाई, मतलब सनराइजर्स के भी सामने बढ़िया परफॉर्म कर चुके हैं। हालांकि न्यूजीलैंड के मैदान पर 3 मैच खेला, 49 रन बनाए, 1 विकेट निकाला, इस मैदान पर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। किसकी? जे जे स्मर्ट्स की। सीमन हार्मन एंड डेनियल वॉरल के सामने थोड़ा सा फंसते हैं, मुझे लगता है जे स्मर्ट्स ना आज के मैच में फिर से आपको बढ़िया परफॉर्मेंस ना करेंगे। गेंदबाजी हो सकता है कम करें, बल्लेबाजी में भी जल्दी निपट जाएंगे, तो ओवरऑल अच्छा पॉइंट्स नहीं देंगे। कौन? जे स्मर्ट्स। तो आई थिंक जे स्मर्ट्स को हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह नहीं देनी चाहिए। वहीं बात करें हेनरिक क्लासेन की, तो आखिरी के 10 मैच में 349 रन बनाए, 3 हाफ सेंचुरी, यानी जो करंट परफॉर्मेंस है क्लासेन की बहुत अच्छी है। लेकिन 3 मैच जो खेला सनराइजर्स के सामने, सिर्फ 45-45 रन बना पाए सनराइजर्स के सामने, ये नहीं चल पाते। 6 मैच खेला केप टाउन के मैदान पर, सिर्फ 96 बनाए, इस मैदान पर भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मतलब आंकड़े देखे अच्छी नहीं है लेकिन करंट परफॉर्मेंस अच्छी है। सीमन हार्मन और ओटानियल ब्राडमैन के सामने थोड़ा फंसते जरूर है, लेकिन मुझे लगता है भले ही रिकॉर्ड अच्छा ना सनराइजर्स के सामने, आज के मैच में हेनरिक क्लासेन ताबड़तोड़ 40-50, मतलब 40-60 के बीच में ताबड़तोड़ जैसा इनका काम होता है, अपना काम दोहराएंगे। जब 40-50-60 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलेंगे तो पॉइंट्स अच्छा देंगे, जब पॉइंट्स अच्छा देंगे तो इनको हमें अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। दे दी जगह, बहुत बढ़िया। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे कीमो पॉल की। इन्होंने आखिरी के 10 मैच में 89-89 रन बनाए, 7 विकेट निकाला, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं है, हाँ जी बिल्कुल अच्छी नहीं है। सनराइजर्स के सामने 2 मैच खेला, 7 रन बनाए, विकेट का खाता ना खुला, तो कीमो पॉल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है आज के मैच में ना तो बल्ले से कुछ कर पाएंगे ना तो गेंद से कुछ कर पाएंगे, तो कीमो पॉल को रहने दो, अच्छा पॉइंट्स नहीं देंगे आज के मैच में। बाकी बियान मुल्डर की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 194 रन बनाए, 2 विकेट निकाला, गेंदबाजी बहुत कम कराई जाती, बल्लेबाजी बहुत नीचे करते हैं, लेकिन जब भी आते हैं कुछ ना कुछ करके जाते हैं। 3 मैच खेला, 81 रन बनाए, 1 विकेट निकाला, सोचो 6-7 नंबर के बल्लेबाज 3 मैच में 81 रन बनाता, कभी नंबर आता नहीं कभी नहीं आता, तो ठीक ठाक कर रहा है यार। 2 मैच खेला केप टाउन के मैदान पर, 68-68 रन बनाए, विकेट का खाता ना खुला, लेकिन मुझे लगता है बियान मुल्डर की जरूरत पड़ेगी आज किसको? डरबन सुपर जायंट्स को। और ये ना थोड़ा सा खरे भी उतरेंगे, खरे ऐसे उतरेंगे मतलब 30-35-40, मतलब 30-50 के बीच में पारी खेलेंगे और गेंदबाजी करते हुए 1-2 विकेट चटकाएंगे। तो बियान मुल्डर आज के मैच में आपको बढ़िया पॉइंट्स देने वाले, इतना बढ़िया पॉइंट्स देंगे कि इनको टीम में रखने के साथ साथ ना आज आपको कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी करना चाहिए। किसको? बियान मुल्डर को। बाकी केशव महाराज की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 11 विकेट, मतलब ज्यादा विकेट केशव महाराज को नहीं मिला। 3 मैच खेला सनराइजर्स के सामने, 2 विकेट, रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। 3 मैच खेला केप टाउन के मैदान पे, सिर्फ 3 विकेट, यहाँ पे भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तो केशव महाराज जो क्यों 1-2 विकेट मिलेगा, ज्यादा विकेट ना मिलेगा, तो ज्यादा अच्छा पॉइंट्स केशव महाराज नहीं देंगे, इसलिए इनको टीम में जगह मत दें। रीस टॉपली की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 13 विकेट, अभी 2-3 मैचों से इनको भी ज्यादा विकेट ना मिल रहा। 3 मैच खेला हैदराबाद के, सॉरी सनराइजर्स के सामने, 4 विकेट चटकाए, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। 2 मैच खेला केप टाउन के मैदान पे, सिर्फ 2 विकेट, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। सॉरी बोल देते हैं किसको? रीस टोपली को। और मुझे लगता है ये भी ना आज के मैच में 1-2 विकेट मिलेगा, ज़्यादा विकेट ना मिलेगा, तो रीस टोपली को भी अपनी टीम में जगह नहीं देना चाहिए। बाकी नूर अहमद की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 18 विकेट चटकाए, मतलब फॉर्म बहुत अच्छी है लौंडे की, लेकिन जो 1 मैच खेला सनराइजर्स के सामने ना पिटाई बहुत हुई थी, विकेट नहीं मिला था। केप टाउन के मैदान पर जो 1 मैच खेला था उसमें 3 विकेट निकाले, तो भले ही पिटाई हुई थी, आज मुझे लगता है नूर अहमद बदला लेंगे, 3-4 विकेट आज के मैच में चटका सकते हैं, या 2-3 विकेट तो ले ही जाएंगे, तो मतलब बढ़िया पॉइंट्स देंगे नूर अहमद। तो नूर अहमद को हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। बात करें नवीनुल हक की, तो आखिरी के 10 मैच में 10 विकेट निकाला, इनको भी ज्यादा विकेट नहीं मिल रहा। जो 1 मैच खेला था सनराइजर्स के सामने, इनकी भी पिटाई होती, विकेट नहीं मिले थे। केप टाउन के मैदान पर जो 1 मैच खेला वहां पर 2 विकेट चटकाए, किसने? नवीनुल हक ने। और मुझे लगता है आज के मैच में ना 2-3 विकेट नवीनुल हक चटका सकते हैं। 2-3 विकेट चटकाने का मतलब है बढ़िया पॉइंट्स देंगे, जब बढ़िया पॉइंट्स देंगे तो इनको अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पे जॉर्डन हरमन की बात करें, आखिरी के 10 मैच में 295 रन, सभी मैचों में 30-35-40-50 की पारी खेल देते। कौन? जॉर्डन हरमन। 3 मैच खेला डरबन के सामने, 114 बनाए, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन केप टाउन के मैदान पे 1 मैच खेला था, शतक लगा दिया था, 109 की पारी खेली थी, किसने? जॉर्डन हरमन ने। रीस टॉपली केशव महाराज के सामने फंसते हैं थोड़ा सा, भले ही पिछले मैच में जो यहाँ पे खेला था शतक लगाया था, लेकिन मुझे लगता है आज के मैच में ना जॉर्डन हरमन नहीं चलेंगे, 5-10-15 या 20 बना के फ्लॉप हो जाएंगे,
तो अच्छा पॉइंट्स नहीं देंगे, जब अच्छा पॉइंट्स नहीं देंगे तो इनको टीम में नहीं रखते, बाहर कर देते हैं। बात करते हैं डेविड मिलान की, तो आखिरी के 10 मैच में 190 बनाए मलिक, यानी जो करंट परफॉर्मेंस से खराब है। एक मैच खेला डरबन के सामने, सिर्फ 2 रन बना के निपट लिए थे। हालांकि 3 मैच खेला है केप टाउन के मैदान पे, 171 रन बनाए जिसमें से 2 हाफ सेंचुरी है। मतलब इस मैदान पे जो आंकड़े हैं वो काफी ज्यादा जबरदस्त है किसके, डेविड मिलान के। रीस टॉपली के सामने थोड़ा सा फंसते जरूर है, लेकिन मुझे लगता है आज के मैच में ना डेविड मिलान दिखाएंगे अपने कारनामे, क्योंकि बड़ा प्लेयर है, बड़े मैच में बढ़िया परफॉर्म करेगा। 70-80-90 की पारी खेलेगा, जब 70-80-90 की पारी खेलेगा यानी बहुत अच्छा पॉइंट्स देंगे, जब बहुत अच्छा पॉइंट्स देंगे तो इनको हमें अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। जगह देने के साथ साथ ना डेविड मिलान को हमें कैप्टन या वाइस कैप्टन भी करना चाहिए आज के इस मैच में। बाकी अगर हम यहाँ पर टॉम एवल की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 311 बनाए 3 हाफ सेंचुरी के साथ, तो टॉम एवल भी काफी बढ़िया फॉर्म में है। 2 मैच खेला डरबन के सामने, 66-66 बनाए, 1 में हाफ सेंचुरी, 1 में फ्लॉप। 1 मैच जो खेला था केप टाउन के मैदान पर 27 रन बनाए थे, मतलब शुरुआत मिली थी लेकिन लंबी पारी नहीं खेल पाए थे। केशव महाराज एंड डॉन पेटोरियस के सामने थोड़ा सा फंसते हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में है टॉम एवल, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगता है आज के मैच में टॉम एवल नहीं चलेंगे। 2-4, 10-15 बस इससे ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, तो मतलब ज़्यादा अच्छा पॉइंट्स नहीं देंगे, तो इनको भी हमें अपनी टीम में जगह नहीं देनी चाहिए। बाकी बात करें एडम माकरम की, तो आखिरी के 10 मैच में 224 रन बनाए, 2 विकेट निकाला। जिस तरह का नाम है एडम माकरम, जिस तरह की परफॉर्मेंस करते हैं उतनी अच्छी परफॉर्मेंस अभी इनकी नहीं जा रही। 3 मैच खेला, 117 रन बनाए, 2 विकेट निकाला डरबन के सामने, तो कहीं ना कहीं डरबन के सामने ठीक ठाक परफॉर्मेंस करी है। लेकिन 3 मैच खेला केप टाउन के मैच में 71 रन बनाए, 1 विकेट निकाला, तो इस मैदान पे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है किसकी, एडम माकरम की। ड्वेन पेटोरियस, बियान मुल्डर और जेजे एस्मर्ट के सामने थोड़ा सा फंसते हैं, लेकिन मुझे लगता है आज के मैच में हो सकता है कि गेंदबाजी करते हुए इनको विकेट ना मिले, लेकिन बल्लेबाजी में 40-50-60 की पारी खेल के देंगे। मतलब कहीं ना कहीं एडम माकरम आज के मैच में आपको बढ़िया पॉइंट्स दे सकते हैं, जब बढ़िया पॉइंट्स देंगे तो इनको भी हमें अपनी टीम में आज के मैच में जगह देनी चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पर तीसरा अष्टभ की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 270 बनाए, 10 मैच 270 पांचवें नंबर के हिसाब से बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं कौन, तीसरा अष्टभ। 3 मैच खेला डरबन के सामने, 148 रन बनाए, 2 हाफ सेंचुरी लगाई इस सीजन, 2 हाफ सेंचुरी जो आई है तीसरा अष्टभ के बल्ले से, दोनों डरबन के ही सामने आई है। 2 मैच खेला केप टाउन के मैदान पे 39 रन बनाए, तो इस मैदान पे आंकड़े उतने अच्छे नहीं है तिस्तन अस्तब के। रीस टोपली और जेजे एस्मर्ट के सामने ये थोड़ा सा फंसते हैं, लेकिन मुझे लगता है तिस्तन अस्तब आज फिर से डरबन के सामने आएंगे, छाएंगे, फिर से 40-50-60 की पारी खेलेंगे, हो सकता है 50 रन लगे लेकिन 40-45-50 बना सकते, तो तिस्तन अस्तब भी हमें आज के मैच में अच्छा पॉइंट्स देंगे, जब अच्छा पॉइंट्स देंगे तो तिस्तन अस्तब को भी हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। बाकी पैट्रिक क्रूगर की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 67 रन बनाए, 5 विकेट निकाला, क्योंकि काफी नीचे बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी भी कभी करते हैं कभी नहीं करते, लेकिन पिछले मैच में क्या बल्लेबाजी करी, उससे पिछले वाले मैच में गेंदबाजी बढ़िया करी थी। लौंडे के अंदर टैलेंट है, टैलेंट जरूर है, लेकिन मुझे लगता है नीचे बल्लेबाजी करने की वजह से आज बल्ले से ज्यादा कुछ ना कर पाएंगे और गेंदबाजी भी मुझे लगता है विकेट विकेट ना मिलेगा, तो पैट्रिक क्रूगर हमें आज के मैच में अच्छा पॉइंट्स नहीं देंगे, तो इनको अपनी टीम में जगह नहीं देनी चाहिए। बात करें मार्को यांसन की, आखिरी के 10 मैच में 141 रन बनाए, 14 विकेट निकाला, तो बढ़िया ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं कौन, मार्को यांसन। 3 मैच खेला, 33 रन बनाए, 3 विकेट निकाला डरबन के सामने, उतने अच्छे आंकड़े नहीं है केप टाउन के मैदान पे। 3 मैच खेला, 74 रन बनाए, 1 विकेट निकाला, इस मैदान पे भी उतने अच्छे आंकड़े नहीं। हालांकि पिछले सीजन 50-60-65 रन की पारी खेली थी केप टाउन के सामने इसी मैदान पे, लेकिन इस सीजन उतने अच्छा ना कर पाए, लेकिन मुझे लगता है मार्को यांसन आज अच्छा करेंगे, आज ऐसा अच्छा करेंगे ताबड़तोड़ 30-35-40 की पारी और गेंदबाजी करते हुए 2-3 विकेट। मतलब गेंदबाजी से तो पॉइंट्स देंगे, साथ में बल्लेबाजी से भी 30-35 रन ठोक के पॉइंट्स देने वाले हैं, तो मतलब ज़्यादा अच्छा पॉइंट्स देंगे, इसलिए इनको टीम में रखना है। रखने के साथ साथ मार्को यांसन को कैप्टन या वाइस कैप्टन भी करना है हमें आज के इस मैच में। बाकी लियाम डोसन की बात करें, आखिरी के 10 मैच में 39 रन बनाए, 8 विकेट निकाला, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है। डरबन के सामने 2 मैच खेला, 1 रन बनाए, विकेट का खाता ना खुला। केप टाउन के मैदान पे 1 मैच खेला, बल्लेबाजी शायद आई नहीं थी, विकेट 1 मिल गया था, तो लियाम डोसन की जो परफॉर्मेंस है उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मुझे लगता है आज के मैच में एक आधा विकेट हो सकता है मिल जाएगा, ज़्यादा विकेट विकेट ना मिलेगा, तो लियाम डोसन को हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह नहीं देना। सीमन हार्मर की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 6 विकेट, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। 2 मैच खेला डरबन के सामने, 4 विकेट चटकाए, एक ही मैच में 4 विकेट लिया था, बाकी विकेट विकेट इनको ना मिला। केप टाउन के मैदान पे 1 मैच खेला, विकेट का खाता ना खुला। मुझे लगता है आज फिर से हो सकता है खाता खुल जाए, लेकिन 4 विकेट आज डरबन वाले इनको ना देंगे, तो मतलब बहुत अच्छा पॉइंट सीमन हार्मर हमें ना देंगे, तो सीमन हार्मर को हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह नहीं देना चाहिए। बात करें ओटेनियल ब्राडमैन की, तो आखिरी के 10 मैच में 18 विकेट चटकाए, यानी जो करंट परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी है। हालांकि डरबन के सामने जो 2 मैच खेला 2 विकेट निकाले, तो रिकॉर्ड यहाँ पे अच्छा नहीं है, लेकिन 2 मैच खेला केप टाउन के मैदान पे 5 विकेट चटकाए,
है इस मैदान पे आंकड़े अच्छे हैं। उम्मीद लगता है ओटेनियल ब्राडमैन दो तीन विकेट लेके जाएंगे, दो तीन विकेट लेंगे तो पॉइंट्स अच्छा देंगे, जब पॉइंट्स अच्छा देंगे तो ओटेनियल ब्राडमैन को हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। बात करें अगर मैं डेनियल ओरेल की तो आखिरी के 10 मैच में 17 विकेट चढ़ा है, इनकी भी करंट परफॉर्मेंस अच्छी है। डरबन के सामने 2 मैच खेला 3 विकेट, ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते। केप टाउन के मैदान पे 1 मैच खेला 1 विकेट, यहाँ पे आंकड़े उतने अच्छे नहीं है, हालांकि 1 मैच से क्या ही अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है डेनियल ओरेल ना आज के मैच में 2-3 विकेट चटकाएंगे, 2-3 विकेट चटकाएंगे तो मतलब बढ़िया पॉइंट्स देंगे, जब बढ़िया पॉइंट्स देंगे तो डेनियल ओरेल को भी हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। तो भैया हमने यहाँ पे ना सभी प्लेयर्स के बारे में जान लिया, किन की परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है और कौन हो सकता है फ्लॉप। तो उम्मीद है इस वीडियो से ना आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी फैंटेसी क्रिकेट की टीम बनाने में। बाकी आप मेरी टीम का इंतजार कर रहे हो ना, तो भैया हुआ इंतजार खत्म। ये रही मेरी टीम, ये जो मैंने टीम बनाई है बहुत ही एनालिसिस करने के बाद बनाई है। ये जो मैंने टीम बनाई है ना, अगर आप इसके साथ जाओगे तो विन करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाले हैं। बस जो मैंने बोला था एक टिप से बताऊंगा, टिप से ये है कि सभी लोग इस टीम के साथ जाएं जरूर, लेकिन 1, 2 या 3 प्लेयर ऊपर नीचे कर लें। कैसे? जो मैंने वीडियो बनाई है सबकी परफॉर्मेंस बताइए, कौन ज़्यादा पॉइंट्स देगा कौन कम पॉइंट्स देगा, उस हिसाब से 1-2 प्लेयर ऊपर नीचे कर लें, फिर देखना कमाल कमाल ऐसा होगा कि हमें आप में से कोई एक ही ग्रैंड लीग जीतेगा, बाहर का बंदा नहीं जीतेगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस जो मैंने बोला है वो आपको कर लेना है। बाकी अगर आपको इस मैच की 2-3 टीम चाहिए ड्रीम इलेवन की विनिंग, तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम के जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगी। अपसा विन फैंटेसी के नाम से भाई का टेलीग्राम है, आपको सभी मैचों की 1 घंटे पहले, मैच स्टार्ट होने के 1 घंटे पहले ड्रीम इलेवन की विनिंग टीम मिल जाती है, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 3। तो मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की पिच रिपोर्ट, मैच रिव्यू एंड फैंटेसी पिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।